सेबी की क्लैरिफिकेशन आ गई है, एक नई कैटेगरी लॉन्च हो गई है, इसको फ्लेक्सी कैप कहा जा रहा है। तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप पे जो इनका सवाल था, इसमें बने रहना चाहिए या नहीं, कोटक ने ये बात कही भी है कि वो अपने इस मल्टी कैप को शिफ्ट करेंगे फ्लेक्सी कैप में, राइट? जी 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 कोटक नीलेश शाह की तरफ से ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है कि कोटक अपने मल्टी कैप स्कीम को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर देगा, जो कि सेबी की नई कैटेगरी आई है, और वहां पर फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो लार्ज मिड स्मॉल में एलोकेशन जिस तरह से बनाना चाहते हैं वैसे बना दे। तो मल्टी कैप रेगुलेशन से कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। 29,000 करोड़ की स्कीम है, मार्केट में मल्टी कैप की सबसे बड़ी स्कीम है, और हर्षा उपाध्याय जो फंड मैनेजर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही बेहतरीन रहा है। हालांकि पिछले एक साल से थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन है स्कीम का कंपेयर टू बेंचमार्क, पर फिर भी मेरी राय यही रहेगी कि इसे कंटिन्यू करिए और स्कीम को होल्ड करिए।